स्क्रैच से, बिल्कुल स्क्रैच से। और जहां पे जिस तरफ मैं रहती हूँ इंग्लैंड में, नॉर्थ वेल्स एंड नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे 16 साल पहले कथक का कोई क्लास नहीं थी। तो आई फील हम्बल्ड, प्रिविलेज्ड, ऑनर्ड एंड प्राउड टू से दैट आई हैड बीन द पायनियर ऑफ कथक इन नॉर्थ वेल्स एंड नॉर्थ वेस्ट। फिर मैंने यहाँ पे स्कूल्स में वर्कशॉप शुरू किया, तो लोगों को ऐसे लगता था कि वर्कशॉप होगा तो बॉलीवुड होगा। तो एक मैं आपको किस्सा बताऊं अगर आप कहें तो। हाँ बिल्कुल एक जगह मैं वर्कशॉप के लिए गई और उस शहर का नाम है लिवरपूल। तो वहां पे मैं गई वर्कशॉप के लिए और वो मशहूर मतलब इंस्टीट्यूशन था कि यहाँ पे बड़े रफ टफ टाइप के स्टूडेंट्स और माहौल है। बाउंसर खड़ा होता था उस स्कूल के बाहर डिसिप्लिन के लिए। तो जब मैं गई तो वहां स्टूडेंट्स ने कुछ ऐसे सोचा कि कुछ बॉलीवुड होगा, कुछ कमर मटकेगी, कुछ ऐसे ऐसे होगा और ऐसे। तो ना जैसे किसी को नॉट काइंड ऑफ वेलकम वेलकम, मतलब थोड़ा टीज करने के लिए करते ना, ऐसे ऐसे करने लगे स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम, मतलब एक ओ नमस्ते, मजाक हो गया उनके लिए। मजाक, थोड़ा लेग पुलिंग टाइप। और मैंने सोचा कि मुझे तो यहाँ पे कथक सिखाना है, ये तो अभी बॉलीवुड को भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो कथक को कैसे करेंगे क्या। बट उस इंस्टीट्यूशन में मैं 10 साल गई हूँ सिखाने, और हर साल डिमांड होती थी मेरे कथक वर्कशॉप की उस स्कूल में, और लड़के लड़कियां सब करते थे। फिर उनको मतलब एक बार जब देखा ना कि ये तो कुछ अलग ही है चीज, क्लासिकल का कुछ अलग ही है, तब उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसे सोचा नहीं था ऐसे होगा। जब तत्कार बताई फुटवर्क, मैं तबला भी लेके जाती हूँ, मैं तबला भी सीखा, तबला भी मैंने उनको प्ले करके बताया, मैंने उनको जुगलबंदी का बताया, तबला बजा के फिर घुंगरू, फिर तबला फिर घुंगरू। उनको बड़ा मेस्मराइजिंग लगा, उनको बहुत अच्छा लगा। और उसमें से 2-3 बच्चों ने क्लासेस ज्वाइन की मेरी कथक की। तो ऐसा नहीं है कि विदेश में सभी कुछ हरियाली होती है, आपको सब कुछ माहौल बना बनाया मिलता है कि आप जो भी करेंगे एक्सेप्टेड होगा। आपने जो शिक्षा ली है, आपने जो आपका कॉन्सेप्ट है, आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको अलग से उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। आप उन्हीं के अकॉर्डिंगली, उन्हीं के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली कुछ कर दोगे तो ताली वाली बजेगी और लोग इधर उधर हो जाएगा। आज ऐसे